दोस्तों, आज हम दिल्ली से हरिद्वार के सफ़र पे निकले हैं परिवार सहित। देखिए, हम मेरठ पहुँचे हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मौसम है। यहाँ कुल्फ़ी का हम लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा कि मैं सीएनजी डलवा लूँ, तो वो सीएनजी की लाइन में था। अब हम आगे सफ़र कर रहे हैं, इसका आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। हर हर महादेव पर जल चढ़ाएंगे, नीलकंठ तक भी जाएंगे। इस सुहाने मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, इतना सुहाना मौसम है। मेरठ हाईवे रोड के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हमने होटल ले लिया है और ये गंगा किनारे हम बैठ के कांगड़ा घाट के ऊपर बहते हुए जल का आनंद ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग हर की पौड़ी की तरफ बढ़ेंगे और हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे। हाँ जी किरण जी, इधर देखिए, कुछ माँ बेटी यहाँ पे घूम रही हैं। आप लोग हर की पौड़ी के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो वो बनाएंगे ना। आरती खड़ी है ना इसके सामने, कैसे बनेंगे? वो तो मेरा कैमरा बंद। एक और मारो। आगे लेके आई ले आई, देख उसको याद है फूल माला कर रही है, अपनी मस्ती में सब लग रहे हैं। आ जा, आराम से बेटा। नहीं यही भाएगी, यही नहाई है बाकी। आ जा, एक कदम आगे आ जा। नहाने लगी थी, अकेली नहा रही थी, एकदम मैं तो वहाँ चली गई थी। तो पानी कम हो गया, ये नीचे हो गया ना। क्यों हो गया? चला गया अपने बहा ले, प्लास्टिक होते मत डाले, वो बहा दे, चलो बहा दे, नहीं बहा वो प्लास्टिक फेंकते थे उसकी माला मत बात। हाँ तो कैसा लगा मेरी बेटी कमरे की चाबी घर की पौड़ी पे नहाने में? ठंडा लगा था। कौन नहा रहा है? कोई नहीं, अभी सूख जाएगा। अभी गिर गई थी एकदम से, डूब के जा लगा ले रहे, डूब गई ले पा लगा ले। नहीं, वो तो डुबकी मारती, पानी तेज था तो आगे निकल गई। देखो ये भी था, पानी कम हो गया एकदम। दादी सब ये मटके में बहुत उपजाऊ होती है। नहाओ ना, नहाओ अम्मा, ये मटके में और नहा लो, बैठे रहो। पार कर गए अपन जी चंगा, तो हर जगह देवी देवता मिली है।
अपने दिल में पाप रहे, चोर रहे, ना मिली ये बेटा। चलो हरिद्वार भी नहा लिए, हर की फोटो अपन दिल चंगा रही तो हर जगह देवी देवता मिली है। बस बस उधर मत जाना। सब कर दर्शन कर भैली बाबा। अच्छा हुआ आपका बेटा लेके आया ना आपको। हाँ। नहीं यूपी से, यूपी साइड के आवाज आने लग रही है। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है भाई साहब, मौसम बढ़िया हो गया, बहुत ही गजब का हरिद्वार का मौसम। अच्छा, लाजवाब मौसम, ऐसा मौसम किस्मत वालों को मिलता है। हाँ। नहीं तो धूप हो कभी तपतस हो, बहुत अच्छा मौसम। बाल तो सूखे पड़े बेटा, डुबकी मारो, नहीं तो गंगा में स्नान किया क्या, डुबकी मारो, दो तीन डुबकी मारो। होटल लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि होटल के जस्ट सामने कांगड़ा घाट है, तो हम सब परिवार सहित यहाँ कांगड़ा घाट पे हमने स्नान किया, गंगा मैया को प्रणाम किया और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने स्नान किया। अब हम सवेरे गंगा आरती लेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग स्नान करने के बाद लगभग 2 बज चुके थे और हमारे पास काफ़ी समय था, तो हमने बोला चंडी देवी के दर्शन करें, वो काफ़ी ऊपर पहाड़ के ऊपर है, तो हमने समय का सदुपयोग करते हुए माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए हम लोग गंगा के किनारे अपने होटल से उतरकर बहुत ही आराम आराम से गंगा का आनंद लेते हुए, और यहाँ रिम झिम बूंदाबांदी हो रही है उसका भी आनंद आ रहा है, तो हम उसके साथ चलते हुए अभी हर की पौड़ी पहुँचेंगे, वहाँ से टैक्सी लेंगे और टैक्सी का कोई ज़्यादा भाड़ा नहीं होता, 300 रुपये में आपको ऑटो मिल जाएगी, फुल सह परिवार 7-8 आदमियों के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे का सफ़र आप देखते रहिए, हम लोग माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। जय माँ चंडी देवी। हर की पौड़ी के नज़दीक पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवा का झोंका जो हमारे शरीर से टच पा रहा है, उसका जो आनंद आ रहा है वो एक अद्भुत ही आनंद है। मुझे हर की पौड़ी पे लगभग साल में 2 से 3 बार आना पड़ता है और मैं ये माँ का आशीर्वाद समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे पूर्वज हैं, मेरी माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे ससुर साहब हैं और जितने भी मेरे परिवार के पूर्वज थे सब है, तो वो मुझे बड़े प्यार से पूरे वर्ष के अंदर 1-2 बार जरूर बुलाते हैं। और बाबा भोलेनाथ तो मेरी ख्याल से लगभग मैं 27 से 28 साल हो गए जो मैं कंटिन्यू, चाहे कोरोना था या नहीं था, मैं बाबा के दरबार आता हूँ, हर की पौड़ी पे कावड़ भरता हूँ और जाता हूँ, और मुझे कोई भी असुविधा आज तक नहीं हुई। अब जून चल रहा है और जुलाई लगभग 14-15 तारीख को मैं फिर सावन में कांवड़ में आऊँगा और बाबा के दरबार में जल लेके जाऊँगा यहाँ से माँ गंगा का, और बाबा के शीश पे चढ़ाऊँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक नजारा
इस मौसम का दिल कितना भर माया है। बाबा के चरणों में एक छोटी सी भेंट है। देख नजारा इस मौसम का दिल कितना हर साया है। देखो सावन भी मेरे बाबा पे जल चढ़ाने आया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली हमें चलते चलते थोड़ी सी भूख भी लग गई, तो यहाँ पर जो ठेले वाले या छिपे वाले खड़े होते हैं, ये तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन देते हैं, तो हमें लगा कि कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग हरपीर पौड़ी पे थोड़े से जलपान ग्रहण किया, और यहाँ छोले हैं और बहुत सारे आइटम हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इनका सेवन किया, और इसके खाने का जो अलग ही आनंद आया। तो क्योंकि हमें भूख लग गई थी, वहाँ नहाने के बाद हम तुरंत चल पड़े थे। तो आइए आगे चलते हैं। हर की पौड़ी पर आज बरसात हुई है, रिमझिम वाली बरसात, जिसके कारण यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। देखिए सब आदमियों के चेहरे पर कितनी खुशी है, क्योंकि ना तो गर्मी है ना गर्मी का एहसास हो रहा है, पूरा एकदम आनंद आ रहा है और ठंडा मौसम है। ये समय लगभग 2:30 बज रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ का मौसम एकदम सुहाना है। जैसे कांवड़ में हम लोग यात्रा करने आते हैं, यहाँ का मौसम होता है। तो सावन बाबा आ ही चुके हैं और शिव बाबा के ऊपर जल चढ़ाने के लिए मेघ घाट और बादलों ने वर्षा करने शुरू कर दी। तो कांवड़िया तैयार हो जाओ हर की पौड़ी पर आने के लिए, अपनी कांवड़ उठाने के लिए, अब समय आने वाला है। हर हर महादेव। दोस्तों, इस हर की पौड़ी पे जब भी आप आएंगे सावन को छोड़कर, आपको ऐसे ही भीड़ भाड़ दिखेगी। यहाँ कभी भी सूनापन नहीं होता। मैं कोरोना काल में आया था, तब भी यहाँ 50-100 आदमी अपने पितृ अर्पित के लिए आते थे, तब वो मैंने एक सूनापन देखा था यहाँ। लेकिन यहाँ जब भी आप आएंगे, चारों तरफ चहल पहल मिलेगी। योगी आदित्यनाथ के कारण घाटों को इतना सुंदर और स्वच्छ बना दिया गया है कि आपको चलते हुए हर की पौड़ी पर ऐसा लगेगा कहीं भी आप बैठ जाएं और इसका आनंद उठाएं। जब आप कभी रात में यहाँ रुकें, तो मेरा मानना है कि आप एक चटाई लेकर ये हर की पौड़ी के पास दूसरी तरफ, जहाँ दोनों तरफ गंगा बहती है, यहाँ बिछाएं और यहीं पर सोने का आनंद लें। इतना होटल आपको होटलों के एसी में भी नहीं आएगा जितना यहाँ ठंडी ठंडी भीनी भीनी और माँ गंगा की चंचलता आवाज़ का आनंद लेते हुए जो संगीत के रूप में आपके कानों में पड़ेगी, तो ऐसे लगेगा जैसे आपके माँ या आपकी पूर्वज आपको लोरियाँ सुना रही हैं। इसका मैंने जीवन में एक बार आनंद लिया था जब मुझे होटल नहीं मिला। तो धन्यवाद दोस्तों, आओ इस यात्रा का हम आनंद लेते हुए। मैं चाहता हूँ कि इस कांवड़ पर सभी भाई बहन
जो भी शिव भक्त हैं वो कावड़ उठाने जरूर आए। इस बार हमें करीब दो साल के बाद, लगभग दो साल के बाद मौका मिला है बाबा को के लिए जल लेने के लिए, माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए और अपनी पवित्र कावड़ को लेकर सफर करने का। हर हर महादेव। ये सुहाने पेड़ों को, सड़कों को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि अब से 5-7 साल पहले, करीब 7-8 साल पहले जो हर की पौड़ी और हर की पौड़ी के आसपास का वातावरण था उससे लाख गुना अच्छा हो गया। ये लग ही नहीं रहा कि हम हर की पौड़ी के साथ चलते हुए उस सफर पे जा रहे हैं। फाइनली हमें ऑटो मिल गया है, ऑटो वाले ने केवल 300 रुपये लिया। अब माँ चंडा देवी के लिए हम निकल रहे हैं, चामुंडा देवी के लिए। तो दोस्तों अगला एपिसोड में आपको वहीं से दिखाऊंगा कि हमने लिफ्ट में कितने की टिकट ली और ऊपर यात्रा कैसे करी, कितना रश था और कैसे हम लोग सफर करते हुए गंगा मैया को पार करके माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस सामने विशाल पहाड़ है, उसके ऊपर माँ का दरबार। यहाँ हमें लिफ्ट के द्वारा माँ चंडी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ इसकी टिकट मात्र 250 रुपये हैं और जो हमें बड़ी आसानी से मिल गई वो किसी सज्जन की थी, उन्होंने ली थी लेकिन उनकी ट्रेन लेट हो रही थी तो उस भाई साहब ने हमारे को वो टिकटें हमें पे दे दी और साथ उन्होंने कहा कि इस टिकट के अंदर माँ मनसा देवी तक का बस का किराया भी इंक्लूड है, जो उनकी बस चलती है चंडी देवी से मनसा देवी, तो वो हमें एक अलग से लाभ प्राप्त हुआ पर टिकट पर। तो मैं यही दुआ करूँगा कि जिस भाई साहब को इस बार माँ चंडी देवी के दर्शन नहीं हुए, से परिवार आए हुए थे 15 लोग, तो भगवान और माँ की कृपा रहे वो अगले वर्ष या बहुत जल्द उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि वो आकर माँ चंडी देवी के दर्शन प्राप्त करें, जिनके कारण हमें थोड़ा सा लाइन में खड़े होने की जो असुविधा होती वो नहीं उठानी पड़ी और उनकी वो ट्रेन के लिए वो निकल पड़े। तो धन्यवाद भाई साहब का, ताकि हमने टिकट ले ली, लोग लेने में आनाकानी कर रहे थे। आइए अब हम ऊपर पहुंच रहे हैं और ये मेरी सासू माँ हैं, इनके सामने इनकी बेटी बैठी हुई है जो मेरी वाइफ हैं। ये मेरी माँ बड़ी प्रसन्न है, हमारे परिवार के अंदर अब केवल एक यही बुजुर्ग रह गई हैं, बाकी तो सब बाबा भोलेनाथ कर चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए हम लोग यात्रा करते हुए माँ चंडी देवी के दर्शन करें। ये जीवन में मेरा दूसरा सौभाग्य है कि माँ चंडी के दर्शन मैं और मेरा परिवार करने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों शब्द काफ़ी हैं कहने के लिए, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना समय कीमती निकाल कर जीवन के अंदर अपने परिवार के सहित, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ माँ चंडी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। और जब ये ऊपर जा रहा है तो नीचे का जो नज़ारा है, ये देखो मेरी बिटिया कितनी खुश हो रही है देख के, ये देखो वो चाहती है कि तुरंत हम माँ के दरबार पहुँच जाएँ। तो जय माता दी, आओ सफ़र का आनंद लें। धन्यवाद। फाइनली ऊपर पहुंचने के बाद लगभग हमारे कान सुन हो गए हैं और एक हल्का सा भारीपन आ जाता है जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। तो अब हमारे को मंदिर दिखने लगा है और ये हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन नीचे का नज़ारा देखकर एक पैरों में गुदगुदी सी होती है, डर सा भी महसूस होता है। तारों की तरफ, हर व्यक्ति तारों की तरफ देखता है कि अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो
आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन माँ की कृपा के कारण यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है और ना ही होगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। समय समय पर वो लोग इसका चेकअप करते रहते हैं कि किसी तरह का रिपोर्ट में को रिपोर्ट ये जिसको बोलते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसे हम क्रेन बोलते हैं। फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं, अब लोग हम ये चेक करा कर टेस्ट करने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो महामाई के दरबार में हम दर्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैमरे को बंद कर दूँगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं अंदर आपको भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ कि माँ के दरबार में कैसी भीड़ है, और सदा ही ऐसी भीड़ लगी रहती है। ये माँ की अपूर्व कृपा है। वापसी पे चेक करेंगे तो या तो माँ के दरबार में हमने दर्शन करे। कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं थी, बड़ी व्यवस्था के साथ हम लोगों ने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम वापस हम उसी तार क्रेन के थ्रू नीचे उतर रहे हैं जिसे रिपोर्ट बोलते हैं। और देखिए कितना लंबा सफ़र है ये। अब जाते हुए हमें इतना थोड़ा सा डर का महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब हम वापसी उतर रहे हैं तो इसके कारण पैरों में कुछ ज़्यादा ही हमारे गुदगुदी टाइप की हो रही है, और शायद अच्छा भी लग रहा है। ये मेरी छोटी बिटिया है, ये देखो कैसे इशारा कर रही है मेरे बेटे को, एल अरे मतवार यार। तो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा बड़ा बेटा सागर, ये सारी यात्रा का प्रबंध यही करता है, इसी को पता है किस तरह यात्रा का प्रबंध करना है। तो हम लोग तो शायद बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई गाल नहीं, अभी हमारी उम्र भी काफ़ी है। और माँ के दरबार से हम दर्शन करके नीचे की तरफ उड़ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है भाइयों, ये अलग ही आनंद आता। बहुत लंबा है और ना के पैसे में, मात्र 250 रुपये में आपको आने और जाने दोनों का किराया उसके अंदर होता है। तो मेरी भाइयों से निवेदन है कि जब भी हरिद्वार आए, हर की पौड़ी पर आए, तो माँ चामुंडा देवी के चंडी देवी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। वो हिमाचल में चामुंडा देवी, मैं वहाँ भी गया हूँ, और यहाँ मनसा देवी है, वहाँ भी ऐसी तार क्रेन बोलते हैं हमारी भाषा में। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अगर आप नीचे गौर से देखेंगे तो आपको एक दो हिरण इधर से उधर दौड़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन और जीव आपको नहीं मिलेंगे। तो यात्रा करके मन प्रसन्न हो गया। तो मेरा विचार आया कि ये जो मेरे YouTube चैनल व्यूवर हैं, मेरे दोस्त हैं, वो उस यात्रा को देखें और मेरे मन के भाव को समझें, और अपने परिवार सहित आज ही कुछ जल्द ही यहाँ पर अपनी यात्रा करें और इसका आनंद लें। मैंने आप लोगों को बताया है कि कम पैसे में भी यात्रा अच्छी की जा सकती है, लेकिन मन में भाव हो, आपको माँ के प्रति श्रद्धा हो और उनका आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो देखिए नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, जिसे मैंने अपने कैमरे से शूट किया है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी माँ चंडी देवी तक की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा? अब हम नेक्स्ट डे यहाँ से जाएंगे और
नीलकंठ की यात्रा हमने करनी है। हमारा विचार है कि हम सुबह निकलें ताकि 3:15 तक हम लोग वापस हर की पौड़ी पर आए और फिर माँ गंगा की आरती का, शाम की आरती का और अद्भुत आरती का आनंद लें और माँ का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, अब इस यात्रा का आप लोग भी और इस सुंदर वातावरण का आनंद लीजिए। अब हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। जय माता दी। कौन सी लेगी? ले ले, उठा बैग दिखा सकल गुड़िया को अपने साथ। हाँ हाँ, बोल मेरी प्यारी गुड़िया।